Hello, hi friends, I'm Nishant Kumar, here to discuss about basic science and engineering drawing topics for RRB, ALP and technician. हाँ जी दोस्तों, तो मैं यहाँ RRB जो रेलवे RRB है, ALP technician का stage 2 का basic science and engineering drawing का जो syllabus है उसमें हम लोग discuss कर रहे हैं अभी unit chapter. Unit में हमने कल बताया था कि यूनिट किसी भी क्वांटिटी का यूनिट निकालने के लिए पहले क्या करना होता है. फर्स्ट स्टेप में जिसका भी अगर यूनिट निकालना है उसका फॉर्मूला लिखेंगे, उसका फॉर्मूला लिखेंगे. उस फॉर्मूला में जो जो भी क्वांटिटी आ रहा है, जो जो भी क्वांटिटी आ रहा है उसका क्या करेंगे, उसका SI यूनिट निकालेंगे, उसका SI यूनिट निकालेंगे. फिर से क्या करेंगे, पुट करेंगे सबका SI यूनिट क्या करें, जो भी ऑल क्वांटिटी है उसका SI यूनिट क्या करेंगे, पुट करेंगे. उसके बाद जो भी बचेगा उसमें कैंसिलेशन होगा, कैंसिल करेंगे. उसके बाद फाइनली क्या होगा, जो बच जाएगा वहीं मेरा क्या हो जाएगा, SI यूनिट हो जाएगा. तो हमने उसमें बात की जाए कि हमने चाल का निकाला था. तो चाल का क्या था जी, दूरी बट्टा फार्मूला होता है, दूरी बट्टा समय. तो अगर हम चाल का हमको निकालना है SI यूनिट, तो पहले हम दूरी का SI यूनिट निकालेंगे और समय का SI यूनिट. दूरी का क्या होता है, SI यूनिट मीटर होता है, समय के क्या होता है, सेकंड होता है. तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, या इसको मीटर पर S इनवर्स भी ऐसे भी लिखा जा सकता है. वैसे ही हमने बात किया था वेग का, त्वरण का, क्षेत्रफल का, वॉल्यूम का, दाब का, बल का, घनत्व का, संवेग का, आवेग का, ये सब हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था. फिर से हम लोग दाब का फॉर्मूला क्या होता है, दाब का अगर मान लीजिए हमको SI यूनिट निकालना है, क्या निकालना है, मात्रक निकालना है, तो क्या करेंगे हम पहले दाब का फॉर्मूला लगे. दाब बराबर क्या होता है, बल बट्टा क्षेत्रफल, यानी फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर. तो इसको लिख सकते हैं ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या NM-2 लिख भी सकते हैं, क्योंकि ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा. तो देख लीजिए, किसी भी चीज़ को हम निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, पहले हम उस फार्मूला को डराइव कर रहे हैं. फार्मूला जैसे ही आ जा रहा है उसको क्या कर रहे हैं, उसमें SI यूनिट रख दे रहे हैं और उस समय SI यूनिट निकाल रहे हैं. अगले बात की जाएगी पृष्ठ तनाव. पृष्ठ तनाव आप देख सकते हैं यहाँ के, पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला क्या होता है, बल बट्टा लंबाई. तो बल बट्टा लंबाई, तो बल का पहले रखेंगे फिर से लंबाई का रखेंगे. देखिए बल बट्टा लंबाई, तो बल बट्टा लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव. तो बल का क्या होता है, फोर्स होता है न्यूटन, न्यूटन रख, अगर न्यूटन बल का भी नहीं जानते हैं तो क्या है, बल बराबर क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है जी, ME. ये मास है, ये क्या है, त्वरण है. मास का क्या होता है, केजी होता है. एक्सेलरेशन का क्या होता है, त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है. लंबाई का क्या होता है, तो मीटर होता है. तो क्या हो जाएगा, देखिए केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये नीचे मीटर है, मीटर मीटर कैंसिल, क्या हो जाएगा केजी पर स्क्वायर. तो केजी लिख सकते हैं, एस अगर नीचे है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, केजी S-2 हो जाएगा. तो SI यूनिट क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव का हो जाएगा. बल आघूर्ण की बात करते हैं, तो बल आघूर्ण क्या होता है जी, बल आघूर्ण क्या होता है, बल गुने लंबाई. तो बल का क्या होता है, वो लिखेंगे और लंबाई से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. तो बल का क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुने मीटर. तो क्या हो जाएगा, केजी ए मीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड इनवर्स. तो कोणीय वेग का क्या होता है, द्रव्यमान गुने वेग गुने त्रिज्या. तो द्रव्यमान का क्या होता है, केजी. वेग का क्या होता है, मीटर पर सेकंड. त्रिज्या का क्या होता है, मीटर. क्या हो जाएगा, ई मीटर स्क्वायर हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स. कार्य की बात करते हैं, तो बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन. बल का क्या होता है, केजी. बल का क्या होता है जी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फिर से विस्थापन भी एक मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे. क्या करेंगे जी, देखिए कार्य क्या निकाल लेते हैं, कार्य क्या क्या लिख रहा है, कार्य बराबर क्या होता है, एफ गुने एस. एफ का क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है MA × S. अब इसका यूनिट लिखेंगे, मास का क्या होता है, तो केजी होता है. एक्सेलरेशन क्या होता है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है. एस माने क्या है, दूरी. दूरी का क्या होता है जी, मीटर होता है. तो केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स क्या हो जाएगा, मेरा कार्य का हो जाएगा.
कोणीय वेग का क्या होता है, ऐसे ही सब कुछ निकालेंगे। गति का निकालेंगे, कोणीय वेग देखिए क्या होता है, कोणीय वेग बराबर क्या होता है, v बराबर आर ओमेगा। v बराबर क्या होता है जी, आर ओमेगा। तो v क्या है, हमारा वेग है, r क्या है, रेडियस, ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, v बाई आर। वी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, आर क्या होता है, मीटर होता है, त्रिज्या क्या होती है, मीटर में लिखते हैं ना, तो वन अपॉन मीटर। तो क्या हो जाएगा, मीटर मीटर कैंसिल, सेकेंड इनवर्स क्या हो जाएगा, कोणीय वेग का हो जाएगा। इसे ही गतिज ऊर्जा की बात करते हैं तो हाफ एम वी स्क्वायर फार्मूला होता है। एम का क्या होता है, मास। अब देखिए कॉन्स्टेंट है तो उसका तो कोई यूनिट नहीं होगा, द्रव्यमान का मास हो जाएगा। वेग का क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड इनवर्स का स्क्वायर करना, देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर ही करेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, के जी मीटर पर सेकेंड इनवर्स का स्क्वायर करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, के जी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, सेकेंड माइनस टू हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, सॉरी ए देखिए काइनेटिक एनर्जी का निकालना है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा के जी, वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकेंड होता है, उसका स्क्वायर करना है तो क्या हो जाएगा, के जी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, के जी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस टू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यूनिट हो जाएगा के जी मीटर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, के जी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस टू भी लिख सकते हैं, ठीक है। लिखने के लिखने का तरीका है वो, ऑप्शन ऐसे दो तीन ऑप्शन भी बनाना हो तो ऐसे भी बना सकता है। अब बात करते हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसमें पूछा जाता है कि दो क्वांटिटी दे दिया जाएगा, बोला जाएगा कि इनकी किसकी बीमा समान है। जब इकाई सेम होगा तो बीमा अपने आप सेम हो जाएगा, तो हम इकाई से ही चेक कर लेंगे कि कितने इकाई हैं। जैसे इसमें देखिए ऊर्जा और बल आघूर्ण की बीमा समान होती है। ऊर्जा देखिए कोई भी ऊर्जा हो, काइनेटिक एनर्जी हो, गतिज ऊर्जा हो या पोटेंशियल एनर्जी हो या ऊर्जा हो, वो क्या होता है, ऊर्जा है कि यूनिट सेम ही होगा। तो उसका बीमा आघूर्ण की बात करें तो बल आघूर्ण की बीमा देखिए यहाँ पे के जी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स, क्या इस दोनों के बराबर है, तो वहीं लिख रहा है ऊर्जा और बल आघूर्ण की बीमा क्या होती है, समान होती है। जब इनका इकाई समान होगा तो बीमा भी समान हो जाएगा, हम बीमा पे जा ही नहीं रहे। देखिए आवेग और संवेग, देखिए हमने आवेग निकाला था, हमने उस पिछले वाले लेक्चर में निकाले था, आवेग का क्या होता है जी, देख लिए पीछे वाले लेक्चर में देखिएगा तो क्या हो जाएगा, आवेग और संवेग का क्या हो जाएगा, इकाई सेम हो जाएगा, ठीक है जी। देखिए आवेग का फॉर्मूला क्या था, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो देखिए आवेग का फॉर्मूला क्या था जी, आवेग का फॉर्मूला क्या था, एक तरफ आवेग लिखेंगे एक तरफ संवेग लिखेंगे। संवेग का फॉर्मूला था, आवेग का था फोर्स गुने टाइम, यानी बल गुने समय, बल गुने समय। संवेग का क्या था जी, तो मास गुने वेलोसिटी, यानी मास माने द्रव्यमान, वेलोसिटी माने क्या होगा, वेग, ठीक है। तो इसका यूनिट निकालेंगे, बल का क्या हो जाएगा, बल का क्या हो जाएगा, बल का चलिए अगर इसका भी नहीं पता है तो क्या लिख सकते हैं, इसका एम ए लिख सकते हैं ना जी, चलिए एम ए और टी हो गया, यहाँ पर क्या मिला एम वी, ठीक है। देखिए ए और टी मल्टीप्लाई क्या होता है, वेलोसिटी हो जाता है, तो एम भी ए भी हो गया, एम भी ए भी हो गया, तो दोनों का यूनिट बराबर नहीं हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, यूनिट इकाई बराबर तो क्या हो जाएगा, बीमा बराबर। इसलिए हम बोल सकते हैं आवेग और संवेग का क्या होता है, बीमा बराबर होता है। चाल, चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। वेग का क्या होता है, विस्थापन बटा समय। तो देखिए यहाँ होता है दूरी बटा समय, यहाँ होता है विस्थापन बटा समय, तो इसका इकाई तो मीटर ही होता है ना, इसका भी तो इकाई मीटर ही होता है, और नीचे समय है तो सेकंड हो जाएगा, इसमें भी सेकंड हो जाएगा, दोनों का बीमा बराबर नहीं होगा जब इकाई बराबर है। तो ऐसे ही है कोणीय संवेग और प्लैंक नियतांक का बीमा क्या होता है, समान होता है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर कंसेप्चुअली आप नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत आ सकती है। देखिए रटने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, रट सकते हो, लेकिन जिस चीज़ को हम कंसेप्चुअली पढ़ सकते हैं उसमें रटने की क्या ज़रूरत है। तो बात करते हैं, अब आता है प्रिंसिपलिटी ऑफ होमोजेनिटी। देखिए अभी तक हमने जो भी पढ़ा था इसमें मैं आपको कुछ बहुत सारे ऐसे फार्मूले हैं, जैसे एक मैं आपको होमवर्क देता हूँ, एफ बराबर एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, ये किसका फार्मूला होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला होता है जी। इस ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए जो जी है उसका क्या निकालेंगे आप, एसआई मात्रक निकालेंगे, एसआई मात्रक निकालेंगे और कमेंट करेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो एक फार्मूला होता है फोर्स ऑफ एक
जो सेंटर की तरफ फोर्स लगा है, सर्कुलर मोशन है, इसमें सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है एफसी बोलते हैं, एम भी स्क्वायर बाई आर होता है। तो आप इसका भी एसआई यूनिट निकालेंगे और इसमें जी का एसआई यूनिट निकालेंगे और कमेंट करेंगे। देखिए ये हमारा टॉपिक जो है बहुत ही अच्छा है, लॉजिकल पढ़ेंगे तो कोई भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, लॉजिकल नहीं पढ़ेंगे तो हमें रटना पड़ेगा, इसलिए इस बात पर ध्यान दें। अब पढ़ते हैं समानता, हमारा टॉपिक क्या है, समानता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देखिए इसमें कहा जाता है कि समीकरण में कोई भी पद है उसका क्या होता है जी, मात्रक और विमा क्या होती है, समान होती है। जैसे अगर हमारे पास एक फॉर्मूला है, कौन सा फार्मूला है जी, तो भी बराबर फार्मूला है, एक हमने फार्मूला पढ़ा था भी बराबर यू प्लस ए टी, ये क्या है बेसिक फिजिक्स का फार्मूला है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। देखिए तो हम अगर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की बात करें तो बोला जा रहा है कि समीकरण में सभी पद, देखिए भी है यहाँ यू है, देखिए तो ए और इसका यूनिट क्या होगा, सेम होगा जी, इस दोनों को मिलाकर यूनिट क्या होगा, इसके बराबर होगा, इसका यूनिट क्या होगा, इसके बराबर होगा। देखिए ये भी ये मेरा वेलोसिटी है, ये मेरा इनिशियल वेलोसिटी है, तो इसका भी तो यूनिट वही होगा ना, ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, ये फाइनल है इनिशियल है, तो यूनिट तो समान ही होगा। अब बात करते हैं, देखिए एटी लिखा हुआ है तो एटी का भी क्या हो जाएगा, ये भी वेलोसिटी है, क्योंकि देखिए एक्सेलरेशन गुणे टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, तो इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड ही हो जाएगा, इसका भी मीटर पर सेकंड हो जाएगा, इसका भी मीटर पर सेकंड होगा। वहीं बोल रहा है कि किसी भी दिए गए समीकरण में सभी पदों का मात्रक या विमाएँ समान होती है, जब मात्रक समान हो जाएगा विमा क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। अब बात करते हैं कि एस बराबर एस मेरा क्या है, दूरी है, ये देखिए वेलोसिटी वेग इंटू टाइम क्या हो जाएगा, समय क्या हो जाएगा, ये भी तो दूरी ही होगा, ये देखिए हाफ एक्सेलरेशन इंटू टाइम स्क्वायर क्या है, ये भी दूरी है। तो वहीं बोला जा रहा है कि दिए गए समय में सभी पदों का मात्रक या विमाएँ समान होती है, तो इस सब का बस समान हो जाएगा, ये दूरी है तो ये भी दूरी होगा, ये भी दूरी हो गई है, अगर ये वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी होगा, ये भी वेलोसिटी होगा। वहीं इसमें लिखा हुआ है, देखिए यहाँ वेलोसिटी हो जाएगा मीटर पर सेकंड, अगर ये इनिशियल वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड, ए और टी देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एस सेकंड मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, तो सबका बराबर है ना, वैसे ही ये है। तो इसलिए ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देखिए कभी कभी जब क्वेश्चन बहुत लेंदी होता है तो उस समय हमको, जैसे क्वेश्चन कभी कभी हाइपोथेटिकल बनाया जा सकता है, जैसे अगर एग्जांपल के तौर पर लिए गए, बोल रहा है कि एक इक्वेशन लिखा हुआ है पी प्लस ए अपॉन भी स्क्वायर मल्टीप्लाई भी माइनस बी बराबर आर टी, जहाँ ए क्या है, ए का मात्रक और विमा ज्ञात करना है। हमको यहाँ पर ए एक्सेलरेशन नहीं है, ये हमारा एक्चुअली गैस का इक्वेशन है, जो आइडियल गैस होता है उसका एक इक्वेशन लिखा हुआ है, पी प्रेशर है, भी मेरा वॉल्यूम है, ए मेरा कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, और ये भी मेरा वॉल्यूम है, बी एक कांस्टेंट है, और इसका फॉर्मूला आर टी, टी क्या मेरा टेम्परेचर है। इसमें पूछ देगा कि एक आप बताएं, एक की मात्रक या बीमा बताएं, तो कैसे बताएंगे जी, हमने अभी पढ़ा है ना प्रिंसिपल होमोजेनिटी कि ए जो है और ये इसका बराबर हो जाएगा, ए जो है इसका बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए इतना ब्रैकेट में है तो ये अगर प्रेशर है, ये क्या है मेरा दाब है, मेरा क्या है आयतन है, ये मेरा क्या है आयतन है, ए और बी क्या है, ये नियतांक है, नियतांक यानी कांस्टेंट है जी, ये टी क्या है टेम्परेचर है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो ये जो है एक साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या है, एक ही क्वेश्चन है, तो देखिए पी अगर बराबर क्या हो जाएगा, ए बटा बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी हमने फॉर्मूला, पहले हम लोग फार्मूला याद करते थे, अब फार्मूला हमको निकालना पड़ रहा है। देखिए देखिए ध्यान दे देने वाली बात यही है, इससे पहले हम लोग जो जो भी निकालना था हम लोग फार्मूला निकाल देते, यहाँ पे क्या है फार्मूला अब हम निकालना है, वो जो दिया गया है उससे हमको डिराइव करना है और उसको निकालना है। ऐसा क्वेश्चन चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं करा देता हूँ, क्योंकि क्या पता पूछा जा सकता है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, पी इंटू वी स्क्वायर, देखिए अब ए का ही तो हमको बीमा निकालना था, इससे पहले हम लोग क्या करते थे, जिस चीज़ का निकालना था उसका फार्मूला निकाल देते हैं, यहाँ फार्मूला तो आ गया, तो पी का क्या होता है जी, पास्कल होता है, या वी का क्या होता है, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम का क्या होता है मीटर क्यूब होता है, तो पास्कल मीटर क्यूब हो सकता है, या पास्कल अगर नहीं देगा तो क्या आ जाएगा, प्रेशर दाब का क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, तो बल बल के क्या लिख सकते हैं, एम ए बट्टा एरिया मीटर क्यूब, अब एम का क्या होता है, तो केजी होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, एरिया क्या होता है
तो मीटर स्क्वायर होता है, यहाँ पे क्या है मीटर क्यूब है, मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा केजी पर सेकंड स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं केजी सेकंड माइनस वन। तो हमने यूनिट निकाल लिया ना, तो यही ध्यान देने वाली, देखिए फिर से एक बार ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन, देखिए थोड़ा क्वेश्चन हार्ड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए मैं यही बोल रहा हूँ कि मैं बेसिक्स बहुत हाई लेवल तक पढ़ाऊँगा, इस बात पर आप ध्यान दें, और ध्यान देने वाली बात है भी। देखिए हमने क्या किया, हम लोग इससे पहले क्या करते थे कि